हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और आज टॉपिक है सरफेस टेंशन का। आज सही में आखिरी टॉपिक है कैपिलरी एक्शन। पिछले वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जब कोई पतला सा पाइप, कोई पतला सा ट्यूब हम किसी लिक्विड में डालते हैं, तो उसमें लिक्विड या तो ऊपर राइज करता है या तो नीचे फॉल कर जाता है। इसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को पानी किस तरह से मिलता है, उनकी पतली पतली स्टेम होती है ना, बहुत पतली सी, जो ग्राउंड में जाती है, और ग्राउंड से वाटर उसमें ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो ये कैपिलरी एक्शन, पानी का पतले से ट्यूब में ऊपर आना, किस फिनोमेना की वजह से पॉसिबल है? सरफेस टेंशन की वजह से। और कितना ऊपर आता है, कितनी हाइट ऊपर? 2s cos थीटा / r ρg वगैरह। तो ये फॉर्मूला वगैरह भी समझेंगे, आप कॉपी और पेन निकाल लें और स्टार्ट करें लिखना, ठीक है। आइए इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हैं। फॉर्मूला कैसे आया, डेराइव भी करेंगे, कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों, मान लो ये बहुत ही पतले से डायमीटर का ट्यूब मैंने किसी लिक्विड के अंदर इमर्स किया। अच्छा, ये कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ ट्यूब बहुत कम हो, मतलब रेडियस ऑफ ट्यूब बहुत कम हो, यानी साफ भाषा में पतला ट्यूब होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें लिक्विड कुछ ऊपर राइज कर जाता है, कई बार नीचे भी फॉल करता है। हम देखते हैं लिक्विड ऊपर राइज करता है। देखो, इस वीडियो को समझने के लिए आपको कॉन्टैक्ट एंगल आना चाहिए, जो कि सरफेस टेंशन 03 कॉन्टैक्ट एंगल, फिजिक्स वाला करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सिर्फ कॉन्टैक्ट एंगल फिजिक्स वाला डाल दोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। तो हमने देखा कि वो लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम है, वो कैपिलरी में ऊपर राइज करते हैं, और वो लिक्विड जिनका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा है, वो डिप्रेस कर जाते हैं। डिप्रेस कर जाते हैं माने, मान लो ये ट्यूब लेके मैंने डाला किसी ऐसे लिक्विड में जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा है। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, ट्यूब के अंदर पानी नीचे, लिक्विड नीचे हो जाता है, पानी तो नहीं बोल सकते, जो भी लिक्विड है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल में आपको इम्प्योर वाटर, मैं बार बार इम्प्योर वाटर बोलूंगा, किताब में वाटर लिखा रहेगा। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूं मरकरी। क्या दे दिया? मरकरी। तो मरकरी हमने देखा कि कैपिलरी डालो तो उसमें नीचे चला जाता है, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा है। और इसके रीजन देखने हैं तो आपको पिछला वीडियो जानना पड़ेगा, अदरवाइज यहां से कैपिलरी एक्शन का हाइट वगैरह का फॉर्मूला सब क्लियर कर। ये छोटी सी बात कि कौन ऊपर राइज करेगा जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम, कौन डिप्रेस करेगा जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज्यादा। अब ये कितनी हाइट ऊपर राइज किया या कितना हाइट नीचे गया, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा / r ρ g। एच हो गई जितनी हाइट ये ऊपर राइज किया लिक्विड सरफेस के लेवल से, S हो गया सरफेस टेंशन इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, R हो गया रेडियस ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब का जो रेडियस है, रो हो गई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और cos थीटा में जो थीटा है बच्चों, ये थीटा कौन सा एंगल है, कॉन्टैक्ट एंगल। देखो, मैंने आपको बोला कि जिनके लिए थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उनमें ऊपर राइज करेगा, क्यों? जिनका थीटा लेस देन 90 होगा उसमें ऊपर राइज करेगा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी इस केस में, पॉजिटिव। थीटा 90 से छोटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है। अब ये कॉस थीटा वाला टर्म पॉजिटिव, तो हाइट भी कैसी आई, पॉजिटिव। और यही पे अगर मैं बोलूं कि थीटा 90 से बड़ा है बच्चों, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव, तो हाइट भी कैसी आएगी, नेगेटिव, मतलब लिक्विड क्या करेगा, डिप्रेस कर जाएगा, और इसमें लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। तो बहुत सिंपल है, इसका थीटा 90 से कम कॉस थीटा पॉजिटिव तो हाइट पॉजिटिव, थीटा 90 से ज्यादा कॉस थीटा नेगेटिव और हाइट नेगेटिव। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला सर आया कैसे। तो पहले मैं आपको सिंपल सा तरीका दिखाता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। क्यों राइज किया लिक्विड ऊपर, उसके लिए थोड़ा वेट करो। क्यों सर ये लिक्विड ऊपर राइज किया, ये थोड़ा वेट करो,
कितना राइज किया पहले ये समझाते हैं कैसे हमने निकाला ये फॉर्मूला। आइए देखिए डेरिवेशन जिसको आप बोलते हैं। खैर कई लोग कहते हैं डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी मैं आपको 2014 एडवांस जे का सवाल दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस। फॉर्मूले से सॉल्व ही नहीं होगा अगर डेरिवेशन नहीं कर रखी है। आइए समझते हैं इस कहानी को, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लूं दिखाने के लिए, अदरवाइज है पतला, ठीक है, सिर्फ आपको शो करने के लिए इसको मैंने थोड़ा मोटा कर लिया। अच्छा मान लेते हैं इसमें लिक्विड राइज किया हुआ है, सपोज कर लिया हमने लिक्विड राइज किया है और ऐसा है, ठीक है। आपको पता है लिक्विड एक मेनिस्कस बनाता है, पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया है, ठीक है। जो लिक्विड राइज करते हैं वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं, और जो डिप्रेस होते हैं जो नीचे जाते हैं लेवल से, जो लेवल से नीचे जाते हैं मान लो ऐसे, वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं, ठीक। जो राइज करते हैं ऊपर जाके वो कॉनकेव, और जो डिप्रेस करते हैं वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब आते हैं इस पे कि ये हाइट का फॉर्मूला कैसे आएगा। अच्छा आइए समझते हैं कि ये हाइट का फॉर्मूला कैसे है। बच्चों मुझे ये बताओ कि इस जगह पे प्रेशर कितना होगा। भाई ऊपर ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है तो यहां प्रेशर होगा पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको याद हो तो सरफेस टेंशन के सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर आपने नहीं भी वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि जब हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, कुछ याद आ गया क्या? जब हम लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं तो बाहर मान लो प्रेशर P है, तो अंदर होता है P माइनस 2S बाई R, ये तो पढ़ा होगा, एक्सेस सॉरी P प्लस 2S बाई R, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, पढ़ा है कि नहीं? कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है आपने ऐसे पढ़ा हो शायद, डेल्टा P इज इक्वल टू 2S बाई R, अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है। तो बात ये अंदर अंदर कुछ नहीं है, बात बड़ी सिंपल सी, उस वीडियो में भी मैंने लिखी है, प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड माइनस प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड इज इक्वल्स टू 2s बाय r। कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होता है ये देखो वो हमेशा कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s बाय r ज्यादा होता है। फिर से कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड में है ना, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और सोप बबल में पड़ा होगा 4s बाय r, एस में सरफेस टेंशन को बोल रहा हूं, कई लोग टी बोलते हैं, ये सोप बबल के लिए था और ये लिक्विड ड्रॉप के लिए। तो जो आप ये तो पढ़े ही कि अंदर जाके प्रेशर ज्यादा होता है कितना 2s बाय r, इसको ऐसे समझो कि जब भी किसी लिक्विड का कॉनकेव साइड लोगे, ये देखो कॉनकेव, वहां पे प्रेशर 2s बाय r ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। ये देखो कॉन्वेक्स है, कहां प्रेशर ज्यादा होता है कॉनकेव में। यहां पे आओ, यहां कॉनकेव साइड कौन सी है, ऊपर वाली, कॉन्वेक्स अंदर वाली, यानी यहां अंदर आने पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये कौन सी साइड है, यहां पे ध्यान से देखो, ये कॉनकेव साइड है कि नहीं, और ये वाली साइड कैसी है, ये कॉन्वेक्स है, जैसे यहां पे ये बाहर वाली साइड कैसी है, कॉन्वेक्स, अंदर वाली कहां प्रेशर ज्यादा है, कॉनकेव में, कितना 2s बाय r, तो यहां ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां कम होगा, कितना कम होगा 2s by r, मतलब इस जगह पे प्रेशर होगा p नॉट माइनस 2s by r। लॉजिक समझ में आई है, पक्के समझ में आई, डाउट तो नहीं रह गया। यहां पे फिर से आ जाओ, ये कॉनकेव साइड प्रेशर 2s by r ज्यादा कॉन्वेक्स से, फिर से यहां पे ऊपर कॉनकेव साइड प्रेशर 2s by r ज्यादा कॉन्वेक्स से। तो मैंने बोला बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स में प्रेशर कम हो जाएगा, कितना 2s by r। अच्छा अब मैं बोलूं कि इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, तो आपको पता है लिक्विड में आप जब h हाइट नीचे आते हो तो प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है h rho g, मतलब इस जगह का अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूं, लेट अस कॉल दिस पॉइंट x, तो अगर x पॉइंट का मैं प्रेशर निकालूं तो यहां पे देखो प्रेशर है p नॉट माइनस 2s / r, और यहां से h हाइट नीचे आए so p not minus 2s by r plus, जब लिक्विड में h हाइट नीचे आओ, लिक्विड की डेंसिटी रो मान लो, तो कितना प्रेशर बढ़ता है, रो जी एच, ये x पॉइंट पे प्रेशर होगा। बाहर p not था कॉनकेव साइड पे, कॉन्वेक्स साइड में आए तो प्रेशर कितना डिफरेंस लेगा 2s by r, यहां से यहां देखो डिफरेंस कितना है 2s by r का,
और फिर यहां से जब नीचे आए तो प्रेशर इंक्रीज करेगा डेप्थ के साथ, कितना, रो जी एच। तो एक्स पॉइंट का प्रेशर आया पी नॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस रो जी एच। यहां तक क्लियर है? आज मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं वाई, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं जेड। आप मुझे बताओ वाई पे प्रेशर कितना होगा? भाई वाई तो एटमोस्फियर को एक्सपोज्ड है, बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा होगा, तो वाई पे प्रेशर पी नॉट। जेड भी एटमोस्फियर को एक्सपोज्ड है, यहां भी प्रेशर पी नॉट। क्या ये लिक्विड रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है। रुके हुए लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, पढ़ रखा होगा कि अगर लिक्विड स्टैटिक है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। मतलब y पे, x पे, z पे, सब पे प्रेशर क्या होना चाहिए, p नॉट। तो दूसरी लॉजिक ये कहती है कि x पॉइंट का प्रेशर p नॉट। लॉजिक फिर से समझाओ, मैंने पहले कहा यहां पे प्रेशर कितना है p नॉट, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कॉनकेव से 2s / r कम, तो यहां के p नॉट - 2s / r। फिर h हाइट नीचे आए तो rho g h बढ़ गया, तो p नॉट - 2s / r + rho g h। फिर मैंने कहा क्योंकि x y और z के हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि फ्लूइड रुका हुआ है, तो जितना प्रेशर यहां जितना यहां उतना यहां, मतलब इस लॉजिक से x पे प्रेशर p नॉट। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी, सो वी कैन से p नॉट इज इक्वल्स टू दिस मच, इज इक्वल्स टू p नॉट - 2s / r + rho g h। यहां से p नॉट कैंसिल, 2s / r इज इक्वल्स टू rho g h। यहां से h की वैल्यू आएगी 2s / r rho g। चलो पहले यहां तक समझ में आया। अब बात यह कि ये r क्या है? सर रेडियस ऑफ ट्यूब, नहीं बच्चों नहीं नहीं, यहां पे ये जो कहानी हुई है 2s / r वाली, वो ट्यूब की वजह से नहीं, वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस की वजह से। दिस r इज रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। आप बोलोगे सर मिनिस्कस का रेडियस और ट्यूब का रेडियस क्या अलग अलग चीज है? ट्यूब का अलग अलग चीज है, हाँ अलग अलग है, बच्चे से बड़ा कंफ्यूज है। जैसे हमने बबल की बात की या ड्रॉप की बात की, तो यहां पे हमने बोला p नॉट प्लस 2s / r, कॉनकेव में ज्यादा कॉन्वेक्स में कम, तो ये रेडियस इस चीज का, यानी इसका रेडियस ट्यूब का नहीं। आप बोलोगे सर दोनों रेडियस अलग कैसे? दिखाता हूं, इतना नोट कर लिया, दिखाता हूं मैं इस चीज को, इस चीज को यहां बनाता हूं, फील करना, सुनना ध्यान से। ये रहा ट्यूब का रेडियस, ये ट्यूब का रेडियस ये है स्मॉल r, ये ट्यूब का रेडियस है। क्या मिनिस्कस का रेडियस भी सेम होगा? नहीं बच्चों, यहां से सेंटर उठाओगे ये हुआ मिनिस्कस का रेडियस, ये और ये ट्यूब का रेडियस है छोटा वाला। फील हुई बात? ये मिनिस्कस का अगर सर्किल में कंप्लीट करूं तो कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, ये अब फील हो रहा कि मिनिस्कस का रेडियस ट्यूब के रेडियस से बड़ा है, अलग अलग चीजें। देखो ये यहां से क्लियर हो रही होगी बात, ये देखो क्या ये चीज बोर्ड पे दिखाई पड़ रही है, ये कहानी हुई है, ये मिनिस्कस का शेप, देखो इसका पूरा सर्किल ये कंप्लीट हो रहा, और ये ट्यूब का सर्कमफेरेंस या जो बोल लो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ये रहा। बात क्लियर हुई? दोनों रेडियस सेम नहीं है। सर दोनों रेडियस में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये होता है कि ये एंगल कॉन्टैक्ट एंगल के बराबर थीटा आता है। अभी दिखाता हूं कैसे आ रहा है, अभी दिखाऊंगा, थीटा आता है। अब यहां से ये ट्रायंगल कंप्लीट करो, ये ट्रायंगल बना, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये थीटा। यहां से आप देखो तो आप बोल सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल r। यहां से कैपिटल r की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r अपॉन cos थीटा, तो कैपिटल r की जगह स्मॉल r अपॉन cos थीटा रखोगे, यहां भी डाल लो, सो h की वैल्यू आएगी 2s अपॉन कैपिटल r की जगह बोलो स्मॉल r अपॉन cos थीटा, r
रो जी और अपॉन कॉस थीटा ऊपर। ये है एच का एक्सप्रेशन, यही तो चाहिए था हमें। दिस आर इज नॉट रेडियस ऑफ ट्यूब, ये बात फील में आनी चाहिए। यहां से फील आ रहा है इस बात का कि नहीं, कि ये मिनिस्कस का रेडियस ये रहा, ये मिनिस्कस का सर्किल और ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन, यहां पे क्लियर दिख रहा है। अब बात आती है कि सर ये एंगल थीटा कैसे हुआ, कॉन्टैक्ट एंगल कैसे हुआ? क्या कॉन्टैक्ट एंगल आप समझते हैं क्या होता है? समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं मिटा के दिखाने जा रहा हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये कॉन्टैक्ट एंगल होगा, कैसे ये एंगल थीटा होगा, कैसे मैं क्लेम किया इसको। आइए पहले मुझे डायग्राम बनाने दीजिए। कुचुक कुचुक आइए मुझे कॉन्टैक्ट एंगल बना के दिखाइए। कॉन्टैक्ट एंगल कैसे बनता है? दो टेंजेंट बनाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, एक सॉलिड सरफेस पे बनाते हैं, एक लिक्विड सरफेस पे बनाते हैं। सॉलिड पे जो टेंजेंट बनेगा वो टूवर्ड्स द लिक्विड बनता है, ये वाला टेंजेंट ऑन सॉलिड टूवर्ड्स द लिक्विड। और जो लिक्विड पे टेंजेंट बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? अवे फ्रॉम सॉलिड, यानी लिक्विड पे जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसा इस सॉलिड से दूर भागता है। ये एंगल होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से बोलता हूं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे दो टेंजेंट बनाओ, एक सॉलिड पे टेंजेंट किस तरफ? लिक्विड की तरफ। देखो सॉलिड पे टेंजेंट इधर भी जा सकता था ऊपर भी, पर ये वाला नहीं लेंगे। सॉलिड का टेंजेंट कौन सा? जो लिक्विड की तरफ हो, ये वाला। और एक टेंजेंट लिक्विड पे बनाओ सॉलिड से अवे। ये देखो ये लिक्विड सरफेस है तो लिक्विड सरफेस पे सॉलिड से अवे, क्योंकि लिक्विड पे एक टेंजेंट ये भी हो सकता था, मतलब ये वाला भी लाइन हो सकती थी पीछे, पीछे वाले को नहीं देखना, ये सॉलिड के टूवर्ड्स जा रही है इसको नहीं लेना। लिक्विड का टेंजेंट अवे फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड का टेंजेंट टूवर्ड्स द लिक्विड, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं इस सर्कल को कंप्लीट करता हूं मेनिस्कस वाले को। ये मान लो मेनिस्कस वाला सर्कल कंप्लीट हो गया। अच्छा ये इसका सेंटर मान लो, ये मेनिस्कस वाले सर्कल का रेडियस। सो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सबको इतनी बात क्लियर है? ये मैंने बनाया सर्किल ट्यूब का, ये ट्यूब का सर्किल बन गया, ठीक है यहां तक। अच्छा इसको मैं आगे यहां एक्सटेंड कर लूं, इसको एक्सटेंड कर लूं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, बोलो सही है, बोलो सही है। और ये स्मॉल आर दिखाई पड़ रहा है इससे सब। अच्छा ये थीटा, ये पूरा एंगल 90 होगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर 90 होगा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये बचा होगा थीटा, यही तो मैं बोल रहा हूं। क्लियर हो रहा है? कॉम्प्लेक्स हो गया। टेंजेंट सॉलिड पे जो बनाओ टुवर्ड्स द लिक्विड, और लिक्विड सरफेस पे अवे फ्रॉम सॉलिड, ये एंगल थीटा। फिर मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, मैंने कहा ये सर्किल मेनिस्कस का, ये कैपिटल आर रेडियस, ठीक है, और स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब। फिर मैंने कहा इसको पीछे एक्सटेंड कर दो ये लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये पूरा 90 होगा, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन और ये लाइन देखो परपेंडिकुलर होंगे, है ना, रेडियस और ये लाइन, ये लाइन, तो ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा भाई साहब? थीटा। क्या मैं इस बात को समझा पाया हूं आपको कि नहीं? इसका एक्सटेंड किया थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, अब ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। क्लियर हुई बात? तो ये छोटी छोटी बातें आप समझ के पकड़ोगे तब आप पहुंचोगे h इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g, है ना। ये फॉर्मूला भी सही है, पर यहां ये याद रखना है कि r क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और आपको पकड़ना है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ ट्यूब आर डिफरेंट थे। ये डायग्राम आपको ये बात बताएगा, रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस के बीच में कितना एंगल बनता है, इसको याद कर लो चाहो तो, कितना एंगल बनता है? कॉन्टैक्ट एंगल। अभी बढ़िया क्वेश्चन आएगा, उसमें इस चीज को भी हम और एनालाइज करेंगे। समझ में आया है पक्का ना?
भाई ये यूज होने वाला है 2014 वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए चीज समझ में आनी चाहिए। ये बनाया मैंने, ये टेंजेंट सॉलिड पे, ये टेंजेंट लिक्विड पे, ये एंगल थीटा। मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया, बोला ये एंगल थीटा। इसका सर्किल मैंने बनाया, जूम 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 जूम। मैंने कहा ये इसका रेडियस, अरे भाई मैंने कहा ये इसका रेडियस, जब तक फील नहीं आया मैं आगे नहीं बढ़ता। अब देखो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। फिर मैंने इसका रेडियस कंप्लीट किया, बोला स्मॉल आर। अब ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब क्लियर हो गया ये? तो भाई साहब उनको हाइट का फॉर्मूला तो मिल गया, आइए अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा पहले बता दो दे कि लिक्विड राइज क्यों किया, ये भी तो मिलने सवाल है कि सर ठीक है। चलो सर आपने बताया, हाइट का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, वो थीटा वाली कहानी भी समझ में आ गई, रेडियस कैपिलरी और उसका अलग अलग है समझ गए हम, पर ये राइज क्यों किया है ना, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई कैपिलरी। कोई आपसे पूछ ले कैपिलरी एक्शन क्यों होता है, तो आप तो समझे ही नहीं, आप तो हाइट बता रहे। आओ देखते हैं, मान लो ये ट्यूब आपने इमर्स किया इस बीकर के अंदर और इसमें कोई लिक्विड भरा है जो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अच्छा क्यों ऊपर चढ़ेगा ये देखते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। अच्छा मान लो अभी इसमें लिक्विड अंदर ही है ऐसे, ठीक है, अभी ऊपर नहीं चढ़ा इसी पे, ये तो बन ही जाएगा यहां पे, ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम है, तो ये पानी की जो भी ड्रॉप है ये ग्लास से चिपकना चाहेंगे और कॉन्केव सरफेस बनाएंगी, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पिछले वीडियो में ये बता चुका हूं मैं, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब मुझे बताना, सुनना ध्यान से, इस जगह प्रेशर कितना होगा पी नॉट, इस जगह प्रेशर पी नॉट, इस जगह प्रेशर पी नॉट, सही है। इसके जस्ट नीचे एक लाइन में खींच रहा हूं, इसके जस्ट नीचे एक लाइन में खींच रहा हूं, जस्ट नीचे, तो यहां का प्रेशर भी कितना हो जाएगा P नॉट, जस्ट नीचे तो यहां का प्रेशर भी P नॉट। मान लिया एकदम ही बगल में दोनों पॉइंट, यहां P नॉट, नीचे जाने पे प्रेशर पड़ता है, मतलब एकदम बगल में, तो P नॉट P नॉट। पर इस जगह पे प्रेशर P नॉट नहीं होगा, क्योंकि यहां मिनिस्कस वाला खेल लग जाएगा। आप बोलोगे सर मिनिस्कस क्यों बनता है, तो इसके लिए आपको थर्ड वीडियो देखना पड़ेगा, या तो आप मान लो कि ग्लास में हमेशा ऐसे लिक्विड होता है, या थर्ड वीडियो देखो तो आपको क्लियर होगा मिनिस्कस बनता है। खैर अब अगर यहां प्रेशर P नॉट है, तो इसके जस्ट नीचे P नॉट नहीं होगा, P नॉट माइनस 2s बाय r, ये कॉनकेव साइड है, ये कॉनवेक्स, कॉनकेव का प्रेशर यहां से 2s बाय r ज्यादा, यानी यहां का प्रेशर P नॉट माइनस 2s बाय, इस जगह का प्रेशर कम है, इस जगह में प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है, अगल बगल प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगल बगल प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड इस तरफ भागेगा कि नहीं, लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आता है, तो यहां से लिक्विड इस तरफ भागेगा और इसमें लिक्विड ऊपर राइज होगा। सवाल पूछोगे क्यों राइज होगा, अगर इसमें लिक्विड ऊपर जाएगा तो इस जगह पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं। भाई लिक्विड का पर्पस है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या हो सेम, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए सेम, तो यहां पी नॉट, 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 पी नॉट माइनस 2s बाय r, यहां प्रेशर कम पड़ रहा है तो अगल बगल प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम, तो लिक्विड फ्लोस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और इसमें लिक्विड ऊपर राइज किया, ऊपर राइज करने से फायदा क्या हुआ, 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 zoom 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 ऊपर राइज करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर ये h हाइट ऊपर चढ़ा गया तो यहां पे प्रेशर h रो g बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर कितना कम पड़ रहा है अगल बगल से 2s by r, अगल बगल से कितना कम पड़ रहा 2s by r, तो ये इतनी हाइट ऊपर जाएगा किसको प्रेशर में जो फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ h रो g का, वो h रो g का फायदा 2s r by r के नुकसान को बराबर कर दे। सर क्या कातिल लॉजिक है, यहां प्रेशर p नॉट, यहां कम हुआ p नॉट by 2s by r, प्रेशर ज्यादा इधर लिक्विड गया इसमें ऊपर राइज किया, क्यों राइज किया, यहां प्रेशर कम पड़ रहा, कितना कम पड़ रहा 2s by r, तो इसने उठाकर लिक्विड को प्रेशर बढ़ाया,
उठने से कितना फायदा हुआ एच ओ बाई जी, कितना नुकसान हो रहा था टू एस बाई आर, जितना नुकसान हो रहा था सरफेस टेंशन से उतना फायदा लिया लिक्विड को राइज करा के। अब यहां का प्रेशर वापस कितना हो जाएगा पी नॉट। अब देखो यहां पे होगा पी नॉट, यहां होगा पी नॉट माइनस टू एस बाई आर, और यहां आते आते पी नॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस एच रो जी यहां पे आके, और ये पूरी क्वांटिटी पी नॉट के बराबर, पी नॉट से पी नॉट मट जाएगा। मतलब टू एस बाई आर जो नुकसान कर रहा था उस नुकसान की वजह से, उस प्रेशर को कम होने से लिक्विड इसमें आया और इसको बढ़ाता गया तब तक इसको ऊपर किया, यहां पे इतना प्रेशर बढ़ाया कि माइनस टू एस बाई आर को एच रो जी खत्म कर दे। पक्का यहां से h की वैल्यू बोलो 2s अपॉन r रो g, वेयर r इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इसके बाद मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कैसे थीटा का रिलेशन, गॉट इट? बहुत लॉजिक समझ में आ गई। रीजन है सरफेस टेंशन, भाई साहब सरफेस टेंशन की वजह से यहां प्रेशर कम हो रहा, और उस प्रेशर को बचाने के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम करने के लिए लिक्विड ऊपर चढ़ गया। चलिए मेरे ख्याल से आपको इतनी लॉजिक आ गई होगी। इस पे एक बहुत ही हलवा सा हम सवाल करने जा रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं प्योर वाटर के लिए। प्योर वाटर के लिए मैं पहले से आपको बता दूं कि थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो कि हाइट जो राइज है वो 7.5 सेंटीमीटर है और सरफेस टेंशन को दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को दी है 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दी है हमको 10। हमसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। हलवा सा सवाल है, ट्राई कर ले। ए बी सी डी फॉर्मूला बेस 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर या 0.4 मिलीमीटर। तो पॉज करके एक हलवा सा सवाल इसको ट्राई करें, मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं। हो गया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r rho g, h is equals to 2s cos theta upon r rho g। हो गया, क्या आंसर आ रहा b, h is equals to 2s cos theta upon r rho g। h की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, सो h की जगह 7.5 into 10 की पावर माइनस 2, 2 into s 0.075, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय r, आर कितना है आर ही तो नहीं पता, रो 10^3 जी विल बी 10, यहां से आर इज इक्वल टू 2 इनटू, इसको हम लिख सकते हैं 75 इनटू 10^-3 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख देते हैं 75 इनटू 10^-3 इस टर्म को इनटू 10^, इसको लिख दें 4। बोलो सही है, 75 इनटू 10^-3, 75 इनटू 10^-3, ये टर्म कैंसिल, सो 2 इंटू 10^-4 मीटर, ये कितना हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 10^-, हाँ हो जाएगा 2 इंटू 10^-4, तो 2 इंटू 10^-3 इंटू 10^-1, ये हो जाएगा आपका 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10^-1, तो 0.2 मिलीमीटर। क्लियर है, हलवा सवाल। चलिए एक अच्छा सवाल दिखाता हूं मैं आपको, इसका एक्सीवरा किताब भी दिया, बढ़िया सवाल है 20 पे का कंसेप्ट बेस। अब वो जो फॉर्मूला रट के आया बच्चा, वो अगला सवाल छू भी नहीं पाएगा, वो समझ भी नहीं पाएगा क्या बात हो रही है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, अरे ये कहां से आया ये सवाल, बड़ा प्यारा सवाल। उन्होंने बोला हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब है भाई साहब जिसका रेडियस उन्होंने हमसे बोला 0.5 मिलीमीटर है, कितना है 0.5 मिलीलीटर। उन्होंने कहा उसमें जो लिक्विड राइज किया है ना, लिक्विड राइज है क्या, उन्होंने बोला ऐसा बताया नहीं, उन्होंने बोला इसके अंदर वाटर भर दिया हमने और सरफेस टेंशन बोली है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ठीक है वही कहानी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अ पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ कैपिलरी एंड
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको डिफरेंस निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक पॉइंट जो लिक्विड के सरफेस से 5 सेंटीमीटर नीचे है, इस पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का प्रेशर डिफरेंस। और यहां पे वाटर है तो आप वाटर की डेंसिटी ले लोगे 10³ केजी पर मीटर क्यूब। चार ऑप्शन है आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है प्रेशर डिफरेंस ए बी सी डी। 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ट्राई करें, ट्राई करें, बहुत ही आसान सवाल है। कंसेप्ट बेस है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ कैपिलरी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में। आज कुछ एनर्जी डाउन लग रही वीडियो में, हो सकता है 2 दिन वीडियो नहीं किए, आउट ऑफ टच, 2 दिन पढ़ाई नहीं करो, पढ़ने का मन नहीं करता। आइए देखते हैं, हो गया आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, 200 आना चाहिए। देखो इस पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं, पहले आओ यहां प्रेशर कितना होगा पी नॉट, यहां से अंदर आओगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, यहां से अंदर आने पे प्रेशर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इस तरफ से यहां तक आओगे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस 2s बाय r। फिर h हाइट नीचे आओगे तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट माइनस 2s बाय r प्लस h रो g। इस पॉइंट का प्रेशर मिल गया आपको, डिफरेंस किससे निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो डेल्टा p आपको जो निकालना है, एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक माइनस इस पॉइंट का प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और इस पॉइंट पे प्रेशर ये, तो पी नॉट माइनस 2s बाय r प्लस h रो g। यहां से पी नॉट कैंसिल हो गया, वो प्लस हो जाएगा वो माइनस, तो 2s बाय r माइनस h रो g बोल सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है जो हमको नहीं पता, तो हमने एक अपना डायग्राम वगैरह बना रखा था, ये वाला ज़ुम्बर ज़ुम्बर ज़ुम ज़ुम्बर ज़ुम्बर ज़ुम, ये था रेडियस ऑफ मेनिस्कस और ये था हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब और ये एंगल था थीटा। तो यहां से याद हो कॉस थीटा की वैल्यू आर बटे आर। अब वाटर की बात करें तो वाटर के लिए हम प्योर वाटर के लिए हमें पता है थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा cos 0, cos 0 इज 1, सो r इज इक्वल्स टू प्योर वाटर के लिए जो अपना कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0, तो cos 0 1 हो गया, r इज इक्वल्स टू r, यानी इसकी जगह हम सीधा स्मॉल r रख सकते हैं। बस इसके बाद वैल्यूज रखनी है 2 into s 0.075 अपॉन r 0.5 मिलीमीटर यानी 0.5 into 10 power minus 3 माइनस एच इज 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻², रो इज 10³, जी इज 10। इसके बाद आपको कैलकुलेशंस करने हैं, आइए करते हैं कैलकुलेशन। मेरा दिल भी कितना पागल है, आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 75 × 10⁻³, लिख सकते हैं 10⁻³ कैंसिल, ये पॉइंट आया यहाँ पे 20 5 × 5 5 × 4 = 20 4 × 5 = 20 4 × 7 = 28 और 300 माइनस, फिर यहाँ पे आओ 10⁻², 10⁴ तो जाएगा 10⁻²×5 500, तो 300 - 500 आंसर -200। डिफरेंस निकालना था हमें तो माइनस प्लस में क्या मतलब, ये अलग टर्म हम गलत कर रहे थे, ये प्रेशर ज्यादा था इसमें से एटमोस्फेरिक माइनस करना था। खैर तो आंसर क्या आ रहा है 200। अभी ये कोई नहीं कह रहा कि यहां पे लिक्विड का सरफेस स्टार्ट है, जब समझो सवाल, हो सकता हो कहानी ये चल रही हो, ये पॉइंट कहीं बीच में था, वरना तुम बोलोगे सर यहां पे तो प्रेशर पी नॉट ही आ जाता है, ये कहीं बीच का कोई पॉइंट इन्होंने सवाल बनाया था कंसेप्ट से, आया तो ये लॉजिक आपको आनी चाहिए कि आप जब भी कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो तो 2s / r प्रेशर कम, h हाइट नीचे हो तो h रो जी ज्यादा, बस यही कंसेप्ट यूज किया। उसके बाद वैल्यूज वगैरह, प्योर वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ये मेनिस्कस रेडियस, ये ट्यूब का रेडियस। चलिए तो आपको मैंने डेरिवेशन बताया, आपको मैंने लॉजिक बताया कि क्यों ऐसा हुआ है ना, क्योंकि प्रेशर एक जगह पे कम था अगर बदल जाता था,
फिर मैंने आर और आर के रिलेशन भी बता दिया। अच्छा, इस पूरी कहानी को हम एक और तरह से समझ सकते हैं, देयर इज अनदर वे टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट उससे पहले मैं चाहूंगा एक और मतलब डेरिवेशन का तरीका है, पर उससे पहले मैं चाहूंगा आप 2014 का क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही खूबसूरत जेई एडवांस 2014 प्योर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट है, देखते हैं कौन कर पाता है। जेई ने हमसे कहा कि हमारे पास एक ट्रंकेटेड कोन है, यही लैंग्वेज यूज की थी उन्होंने, एक ट्रंकेटेड कोन है, छोटा सा यहां पे ओपनिंग एकदम है ना। उन्होंने देखो क्या किया, सिलेंडर ना डाल के हम ट्यूब डाल रहे थे सिलेंड्रिकल, उन्होंने क्यूबिकल डाल दिया, कोनिकल। ट्रंकेटेड कोन है, यहां कोई लिक्विड है जिसका सरफेस टेंशन एस, जिसकी डेंसिटी रो, ये एपेक्स एंगल उन्होंने बोला अल्फा है, जहां तक लिक्विड राइज किया है, जिस जगह तक लिक्विड राइज किया है उस जगह पर ट्यूब का रेडियस बी है, ट्यूब का रेडियस बी है, मेनिस्कस का नहीं, ट्यूब का रेडियस बी है। इस लिक्विड के लिए कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो पूछा है कि लिक्विड कितनी हाइट ऊपर राइज करेगा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, और ध्यान देना कि यहां पिछले रिजल्ट यूज मत कर देना, कंसेप्ट यूज करना रिजल्ट नहीं, क्योंकि शेप अलग हो गया है, इट मे कॉज सम डिफरेंस, ध्यान देना है। अभी ऑप्शन देखिए आपको रियलाइज हो जाएगा, 2s अपॉन बी रो जी, चलो यहां तक सही है, 2s अपॉन आर रो जी, कॉस थीटा माइनस अल्फा, 2s अपॉन बी रो जी, कॉस थीटा प्लस अल्फा, 2s अपॉन बी रो जी, कॉस थीटा माइनस अल्फा बाय 2s अपॉन बी रो जी, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। करने को तो 2 सेकंड का सवाल है, पर कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। बताइए, चारों में 2s अपॉन r रो जी का टर्म तो है, पर कहीं पे भी कॉस थीटा नहीं मिल रहा। पॉज करके ट्राई जरूर करिए, टाइम दीजिए खुद को। चलिए मैं करूं, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया। आइए देखिए मेरे साथ, अगर मैं नॉर्मल लॉजिक के साथ चलूं, चलिए मैं नॉर्मल लॉजिक के साथ चलता हूं, मान लेता हूं इस लेवल पे वाटर है, यस, मतलब वाटर है या जो भी अपना लिक्विड है यहां पे। अच्छा मान लेते हैं ये हाइट एच, बहुत बढ़िया, और ये इन्होंने खुद से बना के दिया, देख रहे हो कॉनकेव मेनिस्कस, मेनिस्कस तो खुद से बना के दिया। यहां प्रेशर कितना होगा पी नॉट, इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा पी नॉट माइनस 2s बाय आर, कि 2s बाय बी, बी किसका रेडियस है ट्यूब का, आर मेनिस्कस का, भी हमें रिलेशन नहीं पता, रुक जाना, यहां पे थीटा से रिलेटेड नहीं होता, वरना आंसर देखो ये नहीं आया, समझो। फिर यहां से h हाइट नीचे आओगे, तो इस जगह पे h हाइट नीचे आते आते प्रेशर कितना हो जाएगा, इस जगह पे आते आते प्रेशर हो जाएगा p नॉट माइनस 2s बाय r, और h हाइट नीचे आने की वजह से प्लस h रो जी। देखो डेरिवेशन पे बेस्ड था क्वेश्चन, यहां तक नीचे आए तो p नॉट माइनस 2s बाय r प्लस h रो जी। अब इस जगह का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर सेम होगा, यहां 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 प्रेशर सेम होगा, यहां कौन प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर, यहां कौन लगा रहा है एटमॉस्फेयर, ये सब सेम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, मतलब यहां का प्रेशर एक्चुअल में होना कितना चाहिए P नॉट के ऊपर, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां P नॉट, यहां P नॉट, तो यहां भी P नॉट, कंसेप्ट कह रहा है कितना है, मतलब ये दोनों प्रेशर सेम है, चलो यानी P नॉट माइनस 2s बाय r प्लस h रो g इज इक्वल्स टू P नॉट, तो ये तो वही लॉजिक आ रही है जो देखी थी हमने, यहां से h इज इक्वल्स टू आएगा 2s अपॉन r रो g। चलो यहां तक तो लॉजिक फेल नहीं हुई,
ध्यान से देखो, 2s by r उधर गया, रोजी इधर, 2s upon r. What is r? Radius of meniscus. Problem वहीं पे है कि अब r और small r की जगह यहाँ पे b दिया है, में क्या relation है? यहाँ तक सबको clear हुआ? बहुत बढ़िया. इसको मिटा दूँ मैं. p not यहाँ अंदर आया, p not minus 2s by r, नीचे आया p not minus 2s by r plus h rho g, फिर यहाँ pressure फिर से p not होना चाहिए क्योंकि same horizontal pressure पहले हम p not बराबर किया. किसी को कोई तकलीफ? चल यहां तक बातें समझ में. अब हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं कैपिटल आर और बी के बीच का. आइए इस डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं, पक्का सही सॉल्व होगा. चलो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ए ये रहा ऐसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा चलो, अब यहां पे मैं बनाऊंगा टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस. कैसे जाएगा? ऐसे टुवर्ड्स द लिक्विड, और टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस अवे फ्रॉम द सॉलिड. कॉन्टैक्ट एंगल कितना दिया है? थीटा. तो यहां पे एंगल हो गया थीटा. बोले यहां तक लॉजिक क्लियर है? यहां पे मैंने टेंजेंट बनाया टू सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड. Tangent to solid surface towards the liquid, tangent to liquid surface away from the solid. तो ये contact angle theta है. चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये line आगे extend हुई है की है, ये line भी चलो मैं आगे extend कर देता हूँ. So this angle is theta. अब मैं यहाँ circle अगर complete करना चाहूँ, ये circle बनेगा, ठीक है? जैसा भी जा रहा है चलो, doesn't matter. यहाँ पे center मान लेते हैं और ये अपना रेडियस ऑफ मेनिस्कस और ये अपना रेडियस ऑफ ट्यूब बी. अब समझना लॉजिक को. ये एंगल पूरा अल्फा था, अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूं ऐसे तो ये एंगल हो जाएगा अल्फा बटे टू. सही है? बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा बटे टू. यानी ये लाइन वर्टिकल से कितना एंगल, देखो ध्यान से, क्यों क्यों क्यों, ये कितना होगा? अल्फा बाय 2. ये लाइन मैंने आगे बढ़ाई फिर यहां, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा बाय 2. मतलब ये एंगल क्यों वर्टिकल. समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा शर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है. ये अल्फा बाय 2 तो ये एंगल भी अल्फा बाय 2 होगा. अग्री? ये देखो ये एंगल अल्फा बाय 2. चलो बहुत बढ़िया. अगर आप इतना समझ गए बच्चों कि ये अल्फा बाय 2, ये थीटा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, इनके बीच में कितना एंगल होगा? 90. यानी ये पूरा 90, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा. फिर यहां से देखो ये पूरा एंगल 90 होगा, तो ये फिर से हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाय 2. Are you getting what I am saying? हाँ कुछ आ रहा है. टिंग डिंग 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 डिंग, मैं समझा के मानूंगा. टिंग डिंग 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 डिंग, ये देखो ट्यूब वाला ट्यूब, और ये रहा टेंजेंट वाला कहानी, ये टेंजेंट. सो टेंजेंट से ट्यूब का एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा बाय 2. अब देखो ये पूरा 90 होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा. फिर ये एंगल पूरा 90 होगा. इच्छी इच्छी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. ये एंगल 90 होगा. अब ये 90 माइनस इतना है तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा बाय 2 प्लस थीटा. बस इतनी ही लॉजिक थी यहाँ पे. दिस एंगल विल बी दिस मच एंगल विल बी अल्फा बाय 2 प्लस थीटा. क्लियर है? क्लियर है? ये कांटेक्ट एंगल बनाने का तरीका, सॉलिड पे टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड पे टेंजेंट अवे फ्रॉम द सॉलिड, बीच में कांटेक्ट एंगल थीटा, इसको ऊपर खींचा, इसको इधर खींचा थीटा, फिर मैंने यहां से बीच से लाइन खींची तो ये एंगल अल्फा बाय 2. ये वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये अल्फा बाय 2, तो ये अल्फा बाय 2. मैंने बोला ये 90 होगा रेडियस टेंजेंट, तो 90 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस थीटा. फिर ये 90 होगा तो ये अल्फा बाय 2 प्लस थीटा.
यहां से देखो आप इस ट्रायंगल से बोल सकते हो cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू बेस व्हिच इज b अपॉन हाइपोटेन्यूज r. यहां से कैपिटल r की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन दिस टर्म, यानी कैपिटल r की जगह b अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2. अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा 2s अपॉन b रो g cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2. क्लियर हो गया? तो कांसेप्ट अगर आपका सही हो, आपने अगर डेरिवेशन अच्छे से कर रखी है, कांसेप्ट समझ रखा है, तभी आप एडवांस के सवाल को हिला पाएंगे. अगर आप रट के गए हैं h is equal to 2s cos थीटा वो नॉर रोजी तो भैया गए फिर आप वाट हो जाएगी. चलिए इसको डिराइव करने का एक और तरीका है, इस पूरी कहानी को एक और तरीके से मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं इसकी. h is equal to 2s cos थीटा अपॉन r रो जी की, ये रहा लिक्विड ट्यूब में. अच्छा ट्यूब में लिक्विड क्यों राइज किया, कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन की वजह से राइज किया, सबको पता है. चलो बहुत बढ़िया. अच्छा अच्छा यहां पे लिक्विड ने ऐसा मेनिस्कस बना के रखा है, ठीक है. मान लो कितनी हाइट ऊपर चढ़ा है, मान लो वाटर के सरफेस से, लिक्विड के सरफेस से, एक तो वाटर हमेशा निकलता है ना लिक्विड के नाम से. अच्छा मान लो लिक्विड के सरफेस से एच हाइट ऊपर चढ़ा हुआ है. अच्छा अब यहां का लिक्विड, ये जो सरफेस है लिक्विड का ऐसे, ये एक्चुअल में स्फीयर जैसा होगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे हेमिस्फीयर जैसा दिखाई पड़ेगा ना, ऐसे पूरे में से होगा ना ऐसे. यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का एकदम सेंटर में, इसको बगल वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की सरफेस की. लिक्विड का सरफेस चाहता है अपने सरफेस एरिया को कम से कम करे. सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि लिक्विड का सरफेस चाहता है कि अपने सरफेस एरिया को कम से कम, अपने सारे मॉलिक्यूल्स को सिकोड़ना चाहता है. तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपने पास खींचेगा, ये मॉलिक्यूल बगल में ग्लास वाले मॉलिक्यूल को भी अपने पास खींचने लगेगा. भाई सिकुड़ना चाहता है, ये सब सिकुड़ रहा है. अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ग्लास से भी तो थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, एडहेसिव फोर्स ग्लास और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में, तो ग्लास को थोड़ा सा खींचेगा. जब वो ग्लास को अपनी तरफ खींचेगा किस फोर्स से? ऐसे टेंजेंशियली. किस फोर्स से? सरफेस टेंशन वाली फोर्स से. ऐसे इसके ये, अब देखो ये ग्लास, सरफेस टेंशन कहां लगती है? सरफेस पे. अरे फील है यार फिजिक्स में, क्यों टेंशन. मान लो ये सरफेस है, तो ये लिक्विड इस लिक्विड को अपनी तरफ खींचता है ऐसा, ये मॉलिक्यूल को अपनी तरफ और ये वाला इसको अपनी तरफ, है ना, ये वाला इसको इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं. तो लास्ट में जो ग्लास के साथ चिपका है उसको इसने तो अपनी तरफ खींचा और इस मॉलिक्यूल ने उठा के ग्लास को अपनी तरफ खींचा. ये ग्लास एकदम बगल वाले मॉलिक्यूल को इसने अपनी तरफ खींचा और इस मॉलिक्यूल ने ग्लास को नीचे खींचना चाहा एस से. बदले में न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, ग्लास इस मॉलिक्यूल को टेंजेंशियली इधर खींचेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. फोर्स नहीं होगी ना, सरफेस टेंशन फोर्स तो नहीं होती है. सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. मैं तो बता रहा हूं कि किस तरफ सरफेस टेंशन लगेगी, टेंजेंशियली लगती है ना. लिक्विड का सरफेस समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं ऐसे, एकदम पास आ जाओ. लास्ट वाले मॉलिक्यूल ने ग्लास को खींच लिया, तुम भी आ जाओ. ग्लास ने कहा तुम वापस चलो. न्यूटन्स थर्ड लॉ, तुमने ग्लास खींचा, ग्लास ने आपको खींचा, ऐसे ऐसे. यही कहानी यहां पे होगी ऐसे ऐसे, और यही कहानी पूरे में होगी ऐसे में, सब में ऐसे. समझ में आ रहा है? हर तरफ से ऐसे एस 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 से लग रहा होगा. सारे मॉलिक्यूल ग्लास खींचते हैं, ग्लास होगा ऐसे ऐसे ऐसे. अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, टेंजेंट टू सॉलिड टुवर्ड्स लिक्विड, टेंजेंट टू लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड, ये कॉन्टेक्ट एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, सारे एंगल थीटा होंगे. मतलब जितने भी ये एस 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 से लिक्विड खींच रहे हैं वो सब वर्टिकल से कितने एंगल बना रहे होंगे? थीटा 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 थीटा, ये वर्टिकल थीटा थीटा, ये वर्टिकल थीटा थीटा थीटा, पक्का. अभी सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एस, इस तरफ कितना आएगा एस साइन थीटा, और एक ऊपर की तरफ एस कॉस थीटा.
इधर से इसका भी ऊपर की तरफ s cos थीटा और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा s आप देखो ये s sin थीटा इस s sin थीटा को कैंसिल कर देगा। इसी तरह से हर पार्ट का s sin थीटा सामने वाले s sin थीटा को कैंसिल, इधर का s sin थीटा इधर के s sin थीटा कैंसिल है ना, इधर का s sin थीटा इधर को कैंसिल, सबका s sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे सब चुकू चुकू चुके से ऊपर जा रहे हैं, सबका ये वाला कंपोनेंट चुकू, ये वाला कंपोनेंट चुकू, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल और सबका ट्यू ऐड ट्यू ऐड ट्यू ऐड और ये वाले कैंसिल, मतलब कथक ही करा दिया तुम लोगों ने। तो सबका s cos थीटा ऐड हो रहा, सबका फील हुआ, फील हुआ कि नहीं, सबका s cos थीटा ऐड हो रहा और सबका s sin थीटा कैंसिल हो रहा। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन बाय ग्लास, खींच कौन रहा है सबको, ग्लास, क्योंकि इन सब ने ग्लास को खींचना चाहा, ग्लास ने इनको खींच दिया, तो सबकी ये वाली फोर्स ऐड हो रही और ये वाली सबकी कैंसिल, ऐसे खींचा ये वाली कैंसिल ये वाली ऐड, पीटी भी हो गई। सो व्हाट इज द नेट फोर्स, सरफेस टेंशन की फोर्स का फॉर्मूला होता है एस इंटू एल। अब यहां हर एक मॉलिक्यूल पे कहानी चल रही है, साइड वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लग रही है एस, मतलब सरफेस एस एस एस, तो एक एक मॉलिक्यूल के लिए हम छोटी सी कहानी ले लें, डीएफ इज इक्वल्स टू एस इंटू डीएल। सो हम बोल देंगे कि हर एक मॉलिक्यूल पे छोटी सी फोर्स लगा रहा है ग्लास डीएफ, इस तरफ जो फोर्स है वो एक्चुअल में डीएफ है ऊपर की तरफ, डीएफ इज इक्वल्स टू एस इंटू डीएल। बेसिकली एस लेना ही नहीं हमको, तो ये वाले कॉम्पोनेंट से मतलब है, तो हम एस की जगह क्या यूज कर लें, एस cos थीटा इंटू डीएल, समझ रहे हो, इधर जो फोर्स आएगी तो कैंसिल होगी ना, असल में तो फोर्स है सब, लिखने को ऐसे से लिख दिया एस cos थीटा इंटू डीएल। अब हमको टोटल फोर्स चाहिए, इंटीग्रेट कर दो, एस 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 सबके लिए सेम, सारे मॉलिक्यूल के एस की वैल्यू सेम, सबके लिए थीटा की वैल्यू सेम, साइड वाले मॉलिक्यूल जब चुपके उनसे बात हो रही, मतलब यहां से s cos थीटा बाहर आ गया, कांस्टेंट है सबके लिए सेम, इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा, df का इंटीग्रेशन करोगे f आ जाएगा। अब dl क्या है सोचो, dl क्या है, छोटी छोटी लेंथ, छोटी छोटी लेंथ मतलब मतलब इसके लिए dl इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा, dl है क्या, ऊपर से देखें इसको, टॉप व्यू, टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो तुमको एक गोला दिखाई पड़ेगा, ऐसे लिक्विड सरफेस तुमको गोला से दिखाई पड़ेगा, ये यही तो डीएल है, छोटा छोटा डीएल 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 डीएल, छोटी छोटी लेंथ, ऊपर से देखोगे तब डीएल दिखाई पड़ेगा ना, ये यहां पे मॉलिक्यूल होगा, यहां मॉलिक्यूल सब पे चिपका होगा पीछे 3D में, यही तो है डीएल डीएल, ये डीएल 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 सरफेस सब पे एसएस लग रहा और ये डीएल लेंथ है जिस लेंथ पे लग रहा, यानी इन सारी डीएल 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 को मैं जोड़ूं तो ये तो आएगा 2 पाई आर, किसका रेडियस, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, ये देख लो ध्यान से कि मेनिस्कस का है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अगर स्मॉल है, सो दिस विल बी एस कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इतनी फोर्स से ग्लास इनको ऊपर खींच रहा, ठीक है यहां तक क्लियर हुआ। अब ये लिक्विड इस हाइट पे आकर इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जितनी फोर्स ऊपर लग रही उतनी फोर्स नीचे, नीचे इस लिक्विड का वेट एक्ट कर रहा, तो नीचे की तरफ वेट ऑफ लिक्विड किधर लग रहा, डाउनवर्ड, लिक्विड पे दो फोर्स लग रही, ऊपर की तरफ ग्लास खींच रहा नीचे की तरफ, ये फोर्स किधर है, अपवर्ड, और वेट लिक्विड का नीचे, तो वेट हो जाएगा बच्चों एम इंटू जी, हमें इतने लिक्विड का वेट पता करना है, इसी को सपोर्ट कर रहा है, इतने लिक्विड को उठाया ऊपर, इसको थोड़ी ना उठाया, इतने लिक्विड को उसने संभाल रखा है, सरफेस टेंशन उठा के पकड़ कैसे उठा रखा है सरफेस टेंशन, तो इतने लिक्विड का वेट होगा m into g, मास नहीं पता तो भैया क्या करें, डेंसिटी into वॉल्यूम कर सकते हैं मास की जगह, अब इतने का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया into हाइट, सो डेंसिटी वॉल्यूम की जगह एरिया into हाइट, बोलो सही है, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट इंटू व्हाट, दिस विल बी जी इंटू जी, एरिया कितना होगा बच्चों इसका, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी रो पाई आर स्क्वायर एच जी
ये फोर्स डाउनवर्ड, वो फोर्स अपवर्ड, इतना लिक्विड किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों फोर्स बराबर, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो, यानी अपवर्ड फोर्स है एस कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, डाउनवर्ड फोर्स है रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, पाई ने पाई को मारा, आर ने इस आर को मारा, यहां से एच की वैल्यू देखो क्या आ रही है, टू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी, सेम फॉर्मूला यहां से भी डिराइव हुआ, सेम फॉर्मूला वहां से, समझ में आया, वो आसान था ना, P naught minus 2s by r, P naught minus 2s by r plus h rho g, फिर यहाँ पे प्रेशर, फिर से P naught इक्वेट कर दिया, खेल खत्म, फिर कैपिटल R स्मॉल R रिलेशन निकाल दिया, यहाँ कैपिटल R का जिक्र ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मेनिस्कस का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे आपने वो लॉजिक ही नहीं है उसकी कि यहाँ प्रेशर, अच्छा यहाँ इन लिक्विड पे एक फोर्स और लग रही है जो हम लोगों ने कंसिडर नहीं की, प्रेशर होगी, इधर प्रेशर P naught, तो फोर्स लगेगी P naught है, यहां भी प्रेशर कितना होगा बताओ, यहां भी P नॉट होगा, पिछली बार देखा था ना भाई साहब, यहां प्रेशर कितना होगा P नॉट, यहां कितना होगा P नॉट, तो यहां पे भी P नॉट है, तो नीचे से फोर्स लगेगी P नॉट है, यहां भी प्रेशर P नॉट है, वो तो कैंसिल हो गई, सरफेस टेंशन ने खींचा इसको, ग्लास इसको खींच खींच के ऊपर लगा था, ये ग्लास को खींच रहा है और ग्लास इसको ऊपर खींच रहा है, तो ग्लास ने इसके वेट को बैलेंस कर रखा है, सरफेस टेंशन एस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को इधर खींचा इसने, ग्लास को इधर खींचा ग्लास ने, इधर रिएक्शनरी फोर्स, ये एंगल थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा, तो इन्हें फोर्स निकालने के लिए क्या किया, एस कॉस थीटा इनटू डीएल, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और डीएल 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 कितना बन गया 2 पाई आर, सो एस कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, बाकी तो वेट, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, तो इस तरह से भी आप इसको डिराइव कर सकते थे। अब एक और बहुत बढ़िया इसमें सवाल पूछा जाता है कभी कभी, मैं भी आपसे पूछता हूं, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, मान लो हमारे पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, मान लो इस ट्यूब की लेंथ हमको दे रखी है, सपोज कर लो इसकी लेंथ हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कितनी लेंथी है 4 सेंटीमीटर, हमसे बोला इसमें जो लिक्विड राइज किया, जो आंसर आया कैपिलरी का, हमने कैलकुलेशन किया कैसे, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, हमने कैलकुलेशन वगैरह कर लिया अपनी तरफ से, और जो h की कैलकुलेटेड वैल्यू आई, h की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई, सपोज कर लो वो 2 सेंटीमीटर है, जस्ट सपोज कर लो 2 से, या सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर रिलेटेड, तो इसमें लिक्विड कहां तक राइज करेगा, 1 सेंटीमीटर तक सर, ठीक है मान लिया, यहां तक लिक्विड राइज किया, कितना ऊपर राइज किया 1 सेंटीमीटर, चलो यहां तक लॉजिक में समझा, क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं इस ट्यूब को टिल्ट कर दूं, अगर मैं इस ट्यूब को टिल्ट कर दूं ऐसे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो किस लेंथ तक लिक्विड चढ़ेगा, किस लेंथ तक लिक्विड चढ़ेगा, अगर इसमें 1 सेंटीमीटर तो क्या ऐसे में भी 1 सेंटीमीटर होगा कि कुछ और होगा, हमने एच कैलकुलेट किया और ट्यूब की लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, एच कैलकुलेट किया 1 सेंटीमीटर आया, हम खुश थे, ठीक है, हमने कहा यहां तक राइज किया, हमने कहा नहीं एच कैलकुलेट 1 सेंटीमीटर ठीक है, पर ट्यूब 13 रखा है 4 सेंटीमीटर का, अब बताओ ये L कितना होगा, तो याद रखना ये जो H निकालते हो ये आप वर्टिकल हाइट निकालते हो, क्योंकि आपने H रो जी का इस्तेमाल किया और H रो जी वर्टिकल हाइट के लिए होता है, मतलब अभी भी अगर आप देखोगे तो ये वाली हाइट H 1 सेंटीमीटर ही होगी, 1 सेंटीमीटर चढ़ेगा तो वर्टिकली 1 सेंटीमीटर, अब आप यहां से L निकाल सकते हो, बड़ा आसान हो जाएगा, क्या लगा दिया जाए, sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एप्स, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 1/L, तो L की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, बोले समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन एप्स, यहां से आपको L मिल गया,
तो एग्जाम में करता है कई बार, क्या करता था, कुछ नहीं करेगा, मतलब इतनी कहानी समझाएगा नहीं, वो क्या करेगा सीधा आपको डायग्राम बना के दे देगा और आपको वैल्यूज वगैरह दे देगा कि एस इतना है, आर इतना है, थीटा इतना है, अब बोलेगा बताओ एल की वैल्यू क्या है, तो आप एल नहीं निकालोगे, आप एच कैलकुलेट करोगे और एच कैलकुलेट करने के बाद आप ये कहानी देख लोगे, उससे एल पता लग जाएगा। समझ में आई बात मेरी? एग्जाम में वो आपसे कहेगा मान लो एस की वैल्यू 0.075 है, आर की वैल्यू आपसे बोल देगा 0.2 मिलीमीटर है, कुछ भी दे सकता है यार, रो की वैल्यू दे दिया 10^3 केजी पर मीटर क्यूब है वगैरह वगैरह हमको दे दिया, हमसे बोला एच निकालो, थीटा हमसे मान लो बोल दिया 30 डिग्री है या 0 डिग्री, मान लो 0 डिग्री, हमसे कहा एच निकालो, आपने एच कैलकुलेट किया 1 सेंटीमीटर, डायग्राम ये बना था और एग्जाम में वो पूछ रहा है कि एल की वैल्यू क्या है, तो आप एच के हम समझ लो कि एच क्या है, वर्टिकल हाइट, फिर उससे टेढ़ा मेढ़ा करे तो समझ लेना, ठीक है, एल नहीं निकाल सकते हम, एच निकालते। इसी तरह से एक और बहुत खूबसूरत पॉइंट बनता है सरफेस टेंशन के सवाल में, ये तो इतना खूबसूरत था नहीं, एक और बहुत ही प्यारा पॉइंट इसमें बनता है कि अगर वही सवाल ले लो, चलो भाई देता हूं, कि अगर ये ट्यूब है, सपोज कर लो ये ट्यूब है मेरा 4 सेंटीमीटर का और हमने एच कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे एच कैसे कैलकुलेट किया, 2s cos थीटा अपॉन r रो g, ये सब हमको गिवन थी सारी वैल्यूज, ठीक है, ये सब हमको गिवन था, हमने h कैलकुलेट किया और h मान लो आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो 4 सेंटीमीटर क्या, h मान लो आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें लिक्विड राइज किया, कहां तक राइज किया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। सपोज करो ये h 2 सेंटीमीटर की जगह कैलकुलेट करने पे आता 6 सेंटीमीटर, तो क्या होता, ट्यूब की लेंथ h कैलकुलेट करके 6 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ। तो आप मेरे को बताओ अब क्या होगा, वाटर ऊपर आके रुक जाएगा कि ऊपर आके फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, कि यहां पे वाटर का फाउंटेन बन जाएगा, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर तक जाए, यहां 4 तक जाएगा, यहां और ऊपर जाना है, तो यहां पे अगर वाटर फाउंटेन बन जाएगा तो उस फाउंटेन की क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल है, उस फाउंटेन की क्या वेलोसिटी होगी, ये सवाल है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका आंसर है कि कोई फाउंटेन नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा होने से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाई हो जाएगा। भाई किसी ने इसको एनर्जी दी नहीं, लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ा चढ़ा ऊपर से फव्वारा बन के निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ गई कहां से, ये तो अगेंस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कुछ नहीं करेंगे हम, बकेट में पानी पड़ा है हम उसमें एक पाइप डाल देंगे, हमें एनर्जी प्राप्त होगी, काइनेटिक एनर्जी, घर की बिजली आ जाएगी, हम उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसी तरह से, तो बैठे बैठे एनर्जी मिल रही है, इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स हो गया, कुछ नहीं करना, नदी के पास जाएंगे, पतला सा पाइप लेके डाल के छोड़ देंगे, उसमें तेज धारा में पानी निकलेगा, उस पानी से हम टरबाइन वगैरह घुमा लेंगे, कुछ भी उससे मैकेनिकल वर्क करा लेंगे हम, तो दिस इज अगेंस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाटर बाहर फाउंटेन की तरह नहीं निकलेगा ट्यूब ऑफ इनसफिशियंट लेंथ में। तो फिर क्या होगा सर, होगा ये, मान लो एच 6 सेंटीमीटर आ गया और गिवन लेंथ 4 सेंटीमीटर है, देन लिक्विड will rise to the top and change its meniscus